जहाज चलता है, यदि वो चलाने वाला नहीं हो जहाज चलाने वाला, तो नौका भटक जाती है। ऐसे अपने जीवन में यदि गुरु नहीं हो तो हमारा जीवन तो भटक जाता है। तो आप सब लोगों का बड़ा भाग्य है कि ऐसे सदगुरु आपको मिले जो कि महायोगी थे। देखो दुनिया में तीन तरह के लोग हैं, एक है रोगी, एक है भोगी और एक है योगी। आजकल दुनिया में रोगी बहुत हो रहा है, रोगी यानी जानते हैं ना, जिनको बहुत बीमारियां और नए नए रोग पैदा हो। ये रोग क्यों पैदा होते मालूम है? क्योंकि व्यक्ति बहुत भोग करता है, तरह तरह की गलत आदतें, है ना, रॉन्ग हैबिट्स, उस कारण मालूम नहीं इतनी बीमारियां, इतने रोग और फिर रोता है। इसलिए कहते जो योग है ना, वो योग व्यक्ति को सारे दुखों से, सारे चिंताओं से, सारे बंधनों से छुड़ाता है। इसलिए हमको न तो रोगी होना है न तो भोगी होना है, हमको बनना है योगी। देखो योग का संस्कृत में अर्थ होता है जुड़ना, ज्वाइन। जब हम क्रिया योग करते हैं या ज्ञान योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो होता यह है कि हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। अभी हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने भीतर जो चेतना है, अपने भीतर जो शक्ति है, उससे हम जुड़ते हैं। तो देखो भोग जो है वो दुनिया की ओर ले जाता है, योग अपनी ओर ले जाता है। एक तो बाहर ले जाता है, एक अंदर ले जाता है। और अंदर ही शांति है, बाहर शांति नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने बोला कि ये दुनिया कैसी है, तो वहां लिखते हैं भगवान कृष्ण, दुखालयम अशाश्वतम। जगत में तो यदि हम भोग भोग में लगे रहे तो बस दुख ही दुख, परेशान ही परेशान। इसलिए हमको योग मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जैसे महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया। हमारे देखिए बड़े बड़े योगी जो कि सन्यासी थे, विरक्त थे, वैराग्य ही जो है व्यक्ति को चेतना तक, परमात्मा तक ले जा सकता है। जितना व्यक्ति भोग करेगा, जितना दुनिया में आसक्त होगा, वो उतना ही पतन